नासा और दूसरे स्पेस एजेंसी हमारी धरती से बाहर सौर मंडल के दूसरे प्लैनेट पर अपने मिशनों को भेज रही है। ये मिशन केवल हमारे सौर मंडल तक ही सीमित नहीं रह गए हैं। वॉयजर 1 और वॉयजर 2 स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स का फ्लाईबाय करने के बाद इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर करने वाला पहला मिशन बन गया। बस इतना ही नहीं, हमने स्पेस में ब्लैक होल्स, दूसरे गैलेक्सीज, नेब्यूला और न्यूट्रॉन स्टार जैसे बहुत सारी चीजों को यही धरती के अंदर से ही टेलीस्कोप के जरिए डिस्कवर कर चुके हैं। पर धरती के ऊपर स्पेस में जितने रहस्य हैं, करीब उतने ही रहस्य हमारी धरती के नीचे समुद्रों में दफन हैं। पर क्या हमने कभी समुद्रों की गहराइयों में मिशन भेजकर वहां खोजबीन करने की कोशिश भी की है? और तो और, समुद्र में रहने वाले समुद्री जीव अपने आप में ही एक रहस्य है। That's why India is working on a mission named Samudrayaan mission to send 3 men into the 6 km deep ocean in a submarine vehicle. The Samudrayaan is a project to explore and research into the deep ocean and mining for rare minerals. Keep watching this video to know benefits, details and more about Samudrayaan mission. So hello man, I am Astro Man. Keep watching this video. समुद्रयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन है, जिसका लक्ष्य गहरे समुद्र में खोज करना और वहां से दुर्लभ खनिज पदार्थों का माइनिंग करके बाहर लाना है। इस बेहद ही महत्वाकांक्षी मिशन में यूज किया जाने वाला अंडरवाटर व्हीकल को बनाने का काम इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो को सौंपा गया है। पूरे टाइटेनियम से बना ये व्हीकल केवल 2 ही मीटर चौड़ा है, लेकिन ये पूरे 3 लोगों को समुद्र के 5 से 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जा सकेगा और वापस सुरक्षित धरती तक भी ला सकेगा। ये अंडरवाटर व्हीकल कितना एडवांस्ड है, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि ये पनडुब्बी 12 घंटों तक समुद्र की गहराई में रहकर खोज कर सकता है। और इस व्हीकल की सबसे खास बात ये है कि इमरजेंसी केसेस में ये 4 दिनों तक पानी के अंदर ही लोगों को सुरक्षित रख सकता है। पूरे 200 करोड़ बजट के इस समुद्रयान मिशन को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। द सक्सेस ऑफ दिस समुद्रयान मिशन विल हेल्प इंडिया टू जॉइन द लीग ऑफ डेवलप्ड नेशन इन एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द ओशियंस, बिकॉज सच मिशंस हैड ऑलरेडी बीन कैरिड बाय डेवलप्ड कंट्रीज एंड इंडिया कुड बी द फर्स्ट अमंग द डेवलपिंग नेशंस। पर क्या समुद्रों पर मिशन भेजने से हमें कोई फायदा भी होगा? इसे ऐसे समझिए, जितने भी टेक प्रोडक्ट हैं, जैसे कि रोबोट्स, मशीन्स और स्पेसक्राफ्ट वगैरह, यहाँ तक कि आप जिस फोन से एस्ट्रोमैन के इस वीडियो को देख रहे हो, उसमें भी कोई ना कोई मेटल जरूर यूज किया गया है। यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जितना ज्यादा डेवलप्ड होती चली जाएगी, उतना ही मेटल की डिमांड बढ़ती जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली ये रिसोर्सेस हमारी धरती पर लिमिटेड है और अभी हम स्पेस माइनिंग से भी काफी दूर हैं। इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज ओशियन पर से रिसोर्सेस को माइनिंग करने के आइडियाज पर काम कर रही है। जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे कि यूके, यूएस, रूस, जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे देश, पहले से ही समुद्रों से मिनरल्स को निकालने के आइडियाज पर काम कर रहे हैं और भारत एकमात्र ऐसा डेवलपिंग कंट्री बनने जा रहा है जो इन जैसे मिशनों पर भी काम कर रहा है। पर हम ऐसे ही किसी भी जगह से माइनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ओशियन इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है। इसलिए इंटरनेशनल ओशियन ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए सेंट्रल इंडियन ओशियन से 75,000 किलोमीटर² का एरिया मिला है। साइंटिस्टों के अनुसार इस एरिया के अंदर लगभग 380 मिलियन टन पॉलीमेटेलिक एलिमेंट्स हो सकता है, जिसमें से मैग्नीज 92 मिलियन टन, तांबा 4 मिलियन टन, निकेल 5 मिलियन टन और सोना चांदी जैसे दूसरे एलिमेंट्स भी काफी मात्रा में मिल सकते हैं। इस मिशन से हमारी बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और आपसे भी कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दोगे। और इसी तरह से फ्यूचर में होने वाले स्पेस एंड ओशियन मिशन के बारे में जानने के लिए स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल by clicking subscribe button and fill colors to the like button also to make you, me and YouTube happy.
एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। भगवान आपको वो सब दे जो आप चाहते हो। पर अभी के लिए अगर आपके पास टाइम है तो आर्टेमिस मिशन के इस वीडियो को आपको चेकआउट जरूर करना चाहिए। सी यू सून।